जैसे पसीना पोंछते हुए उसने अपना तीर निकाला और निकाल कर निशाना साधने की कोशिश की, और जैसे ही तीर छोड़ा वो तीर निशाने की जगह खाई में विलीन, बहुत दूर निशाना से। लड़के को मालूम था वो हार चुका है। उसकी आंखों में आंसू थे, वो बुजुर्ग व्यक्ति के चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा, मुझे क्षमा करना, मुझे अपने ऊपर अभिमान आ गया था। उस बुजुर्ग व्यक्ति ने बड़े प्यार से उसे उठाया और उठाकर बोला कि बेटा, तुमने तीर और कमान पर पूर्णतः निपुणता हासिल की। You have perfectly mastered the art of bow and arrow. लेकिन वो मन जो तुमको हर परिस्थिति में एक्यूरेट निशाना लगाने की शक्ति देता है, उस मन पर तुम्हारा अभी भी नियंत्रण नहीं। तभी परिस्थिति जरा सी विकट होती है तो तुम्हारा निशाना चूक जाता है। इसलिए अगर तुम विश्व में सर्वश्रेष्ठ होना चाहते हो तो सबसे पहले अपने मन को मित्र बनाते हुए अपने मन पर नियंत्रण करना सीखो। दोस्तों, ये हमारे जीवन की कहानी। हमारा मन जब कमजोर होता है तो परिस्थिति हमारे लिए समस्या का रूप है। जब मन हमारा स्थिर होता है, बैलेंस्ड होता है, तो वही परिस्थिति हमारे लिए चुनौती का रूप है। और जब मन हमारा सशक्त और पावरफुल होता है तो वही मन, वही परिस्थिति हमारे लिए एक अवसर का रूप ले लेती है, कुछ करने के लिए हमारे पास एक मौका मिल जाता है। दोस्तों, सारा खेल हमारे मन का है। आज मैं आप लोगों को बहुत यूनिक और पावरफुल यात्रा पर लेना चाहता हूँ। और दोस्तों, ये कहानी है जो आज मैं आपको सुनाऊंगा, कहीं मैं गूगल और उससे लेकर नहीं आऊंगा। आज मैं केवल आपको अपने ही जीवन की चार कहानियां सुनाऊंगा। आप ही की तरह मैंने भी अपना जीवन आरंभ किया। और दोस्तों, ये कहानियां आपके जीवन, आपकी लाइफ को हमेशा हमेशा के लिए चेंज कर देंगी। आप लोग यहाँ से निकलकर जब जाएंगे तो विश्व और देश के अलग अलग कोनों में जाएंगे, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स को सर्व करेंगे। लेकिन जीवन में किस प्रकार से आप हर प्रकार की सफलता, हर प्रकार की प्राप्ति को अनुभव कर सकते हैं, दोस्तों ये शक्ति, ये पावर आज आपके अंदर है। हमारा लाइफ दोस्तों हमारे विचारों का ही कॉन्सिक्वेंस है। आप भी की तरह मेरी भी लाइफ आरंभ हुई थी दोस्तों आज से 50 साल पहले। आई वॉज लाइक अ यंग किड। आप लोगों की तरह मैं स्कूल में जाता था, खेलता था, कभी मास्टर बनने का शौक था, बच्चों की तरह एंजॉय करता था सबके साथ। और आप लोगों का भी जीवन ऐसे ही गया। लेकिन दोस्तों, तभी किसी ने बता दिया कि जिंदगी केवल एंजॉयमेंट का नाम नहीं है, जिंदगी में आपको भागना है। यू हैव टू रन एंड चेज सक्सेस। और दोस्तों, मैंने भी भागना आरम्भ 1992 में MBBS को ज्वाइन करके 98 में डॉक्टर बना, MBBS की डिग्री मिली। बहुत खुश था कि डॉक्टर मोहित गुप्ता नाम लग गया है। शाम को एक अंकल आया, उन्होंने बोला कि बेटा डॉक्टर बन गए हो, अब स्पेशलाइज किस में करोगे? और जैसे ही उन्होंने बोला स्पेशलाइज किस में करोगे, वो मेरी खुशी को लेकर और नेक्स्ट डे मैंने फिर भागना चालू कर दिया। मैंने MD मेडिसिन खत्म किया मौलाना आजाद दिल्ली से, बहुत अच्छी तरह उसको क्लियर करते हुए फिर अमेरिका गया, जॉन हॉपकिंस पढ़ाई की, वहां पर करा, मन नहीं लग रहा था, सब कुछ छोड़ते हुए फिर भारतवर्ष आया, कार्डियोलॉजी की पढ़ाई पढ़ी दोस्तों, कार्डियोलॉजिस्ट बन गया, सब कुछ परफेक्ट चल रहा था, सक्सेस को नेचुरली अट्रैक्ट करता था, यंगेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट कंट्री का, सर्जरीज, ऑपरेशन, मेटलिस्टिक वेल्थ, धन, डॉलर, गाड़ी, एवरीथिंग, स्पिरिचुअल लाइफ, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट था। लेकिन एक दिन ऐसा आया जिसने मेरी लाइफ को हमेशा हमेशा के लिए दोस्तों चेंज कर दिया, हमेशा हमेशा। उसने मेरे जीवन के मायने बदल दिए। दोस्तों, 20 मार्च 2003 को मैं अपने हॉस्पिटल से ऑपरेट करके शाम को घर आया था। 5:30-6 बजे का समय था और थका हुआ था, 2 दिन बाद आया था। और सडनली मम्मी ने कहा, गायनेकोलॉजिस्ट है, उन्होंने कहा बेटा खाना खाओगे? मैंने कहा भूख नहीं है। उन्होंने कहा कम से कम थोड़ा सा आइसक्रीम ले लो। मैंने कहा ठीक है, वो ले लेता हूँ। लेकिन 2.5 घंटे बाद सोने के बाद जब मैंने आइसक्रीम का कप हाथ में लिया तो वो कप मेरे हाथ से गिर गया और घर की जमीन पर मैं पड़ा। मुझे मैसिव सीजर्स हो गए, मिर्गी के दौरे पड़ गए, अनकंट्रोलेबल। मेरे मदर एंड फादर ने मुझे लिफ्ट किया, हॉस्पिटल लेकर गए। हॉस्पिटल में पूरी रात मेरे सीजर्स को कंट्रोल किया गया। नेक्स्ट डे जब मुझे ICU में होश आया, मेरे ब्रेन के स्कैन्स किए गए तो मेरे राइट साइड ऑफ ब्रेन में बहुत बड़ा लेजन था, इन्फेक्टेड मास था, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस से डायग्नोज किया गया। 19 दवाइयां उस समय विश्व में अवेलेबल थी, उनमें से 18 ड्रग्स के लिए मैं रेजिस्टेंट था, कंप्लीटली रेजिस्टेंट, नो इफेक्ट ऑन माय ब्रेन।
माइकोबैक्टीरियम कैंसर था, एक टिपिकल माइकोबैक्टीरियल इन्फेक्शन था। अपनी लाइफ में मैंने 50 साल में एक इन्फेक्शन देखा है, केवल अपने ऊपर देखा। रोज अमाइकासिन आपने सुना होगा, टॉक्सिक इंजेक्शन है वो। इंजेक्शन मुझे लग सकते 16 टैबलेट्स दी जाती थी आज सवेरे और आज शाम को। मॉर्निंग उठती थी, दिनचर्या का आरंभ 8 टैबलेट से होता था, रात को फिर 8 टैबलेट दी जाती थी। हिप्स पर रोज इंजेक्शन लगता था, हिप्स चर्बी हो गए तो रोज एनेस्थेटिस्ट आते थे और 1 मिलीमीटर पर मेरे हाथ में इंजेक्शन लगा देते। 150 इंजेक्शन इस हाथ से यहां तक मेरी पूरी बाह में लगे। दर्द रोज होता था, अपने सर को ऐसे बैंड करता था कि मेरा सर फटने को हो रहा है, जैसे कोई काटे और अपने ब्रेन के लेजर को मैं बाहर निकाल के बाहर फेंक दूं। इस प्रकार का सीवियर पेन मुझे होता था और अल्टीमेटली मेरे ब्रेन की सर्जरी 2005 20 जून को हुई। यात्रा में दर्द बहुत था, लेकिन एक दिन मैंने अपने जीवन में दुख और अनइजीनेस की फीलिंग दोस्तों में, मुझे पता था मुझे इस बीमारी को जीतना है। सडनली उस दिन के बाद मेरे जीवन में ना धन ना दौलत ना स्थूल चीजों की कोई मान्यता है। एवरीथिंग हैड लॉस्ट दैट पर्पस इन माय लाइफ। उस दिन जब मैं आईसीयू में था तो मेरे मन में एक ही प्रश्न आ रहा था कि डॉक्टर मोहित आपकी लाइफ में हुआ क्या, व्हाट हैज हैपेंड। मुझे लगा कहीं ना कहीं जीवन के अंदर हम लोग संयम खो, वर्क और लाइफ का जो बैलेंस है वो हमारी लाइफ में समाप्त हो गया। देखो अपनी लाइफ को, कार्य कर रहे हैं तो कार्य करते चले जाते हैं, इंजॉय करते हैं तो इंजॉय करते चले जाते हैं, और लाइफ में बच्चों को जो बैलेंस होता है वो कहीं ना कहीं समाप्त। उस दिन मुझे लगा कि लाइफ हमारी सिंपल है, कभी कभी हमारी ही सोच जो है उसको कॉम्प्लेक्स बना देती है। उस दिन मैं अपने आप से पूछ रहा था कि सब कुछ होते हुए भी दो शब्द हमारी लाइफ में हमेशा के लिए बारे में, वायरस से भी ज्यादा। और जानते हैं वो दो शब्द कौन से? वो दो शब्द जो हम लोग रोज अपनी लाइफ में हम सब लोग यूज करते हैं, आई एम बिजी एंड आई डोंट हैव, जल्दी करो टाइम नहीं है, बिजी। इसी प्रकार से हमारी लाइफ चलती है। उस दिन मैंने आईसीयू में पड़े पड़े अपनी लाइफ में लेटे लेटे इन दो शब्दों को हमेशा हमेशा के लिए डिलीट कर, इस बिजी शब्द को अपनी लाइफ से हटा, और इस बिजी शब्द की जगह एक और बहुत सुंदर शब्द को अपनी लाइफ में एम्ब्रेस किया कि आज के बाद मैं अपनी लाइफ में बिजी नहीं हूं, लेकिन बी इजी कंफर्टेबल सुकून से भरी हुई लाइफ। और दोस्तों जब मन मेरा इजी हो गया तो बाहर की बिजनेस मेरी लाइफ में उसके कोई मायने नहीं रहे। 22 साल से मैंने कभी भी अपने जीवन में ये स्वीकार नहीं किया कि मैं बिजी कर रहा हूं। मेरी दिनचर्या 3:30 बजे आरंभ होती है, रात को 11:30 बजे टिपिकली समाप्त होती है। एवरी डे आई वर्क रिसर्च और सब चीजें चलती हैं, 4 से 4.5 घंटे मैक्सिमम मैं पिछले 20 सालों में सोता हूँ, लेकिन कभी भी अपनी लाइफ में अपने आप को टिपिकल और बिजी महसूस नहीं किया। मैकेनिकल लाइफ है, लेकिन लाइफ में इंजॉयमेंट है, लाइफ में खुशी है और लाइफ में आनंद है। और दोस्तों ये केवल एक माइंड सेट है। तो आज मैं आपको अपने जीवन के 6 संदेश दे सकता, ये 6 मैसेजेस जो आपकी लाइफ को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर, इन लाइफ के इन लेसन को मैंने अपनी लाइफ में अपनाया है, इनको जिया है, इनको यूज किया है, और ये लाइफ लेसन मेरी लाइफ में एक मुझे नया आयाम दोस्तों, एक नया दृष्टिकोण। पहला मैसेज जो मैं आज आपको देना चाहता हूं दोस्तों, वो मैसेज है लाइफ इज अ जर्नी एंड हैप्पीनेस इज नॉट अ डेस्टिनेशन। आज मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछूंगा और इस प्रश्न का सब लोग उत्तर देंगे, और जोर से उत्तर दीजिएगा दोस्तों, कि हम लोग लाइफ में क्यों काम करते हैं? पहला, हम लोग लाइफ में पैसे के लिए काम करते हैं। दूसरा, हम लाइफ में खुशी के लिए काम करते हैं। और तीसरा, हम अपनी लाइफ में पैसे या खुशी दोनों के लिए काम करते हैं। इनमें से आपको एक को चुनना है, कोई चौथा है तो आप बता सकते। कौन कौन इस हॉल में मानता है कि हम लोग पैसे के लिए काम करते हैं? इंपॉर्टेंट है, मनी इंपॉर्टेंट है, उसके बिना गाड़ी नहीं। मान एनीबडी 2, 3, 4, 5, 6 परफेक्ट, क्योंकि मनी के बिना हमें भोजन नहीं मिलेगा, गाड़ी नहीं मिलेगी, कपड़े नहीं मिलेंगे, इट इज इंपॉर्टेंट। कौन कौन खुशी के लिए काम करते हैं वो हाथ उठाइए, रेज योर हैंड्स लाइक दिस। नॉट अबाउट 9 or 10 पीपल, इन सबका बैंक बैलेंस मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। आंसर चेंज करना अलाउड है। कौन कौन दोनों के लिए काम करते हैं वो हाथ उठाइए, मेजोरिटी दोनों के लिए काम करते। लेकिन भाई की कुछ कुछ परीक्षाएं जो है उसमें हम सब फेल हो जाते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, जीवन में खुशी के लिए काम करना चाहिए या जीवन में खुशी से काम करना चाहिए? जोर से बताइए। आपने किसी ने बोला नहीं,
कनेक्ट था, कोई चौथा आंसर है तो दीजिएगा। लेकिन आप में से किसी ने एक पॉइंट नहीं किया कि जीवन में खुश किससे काम करना, यही हमारी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम। आज हमारे एजुकेशन सिस्टम को इस प्रकार से बना दिया गया है कि हम लोग खुशी को चेज करते हैं, खुशी के पीछे भागते हैं, और क्योंकि हम खुशी को चेज करते हैं कि जब मैं ये कर लूंगा खुश होगा, जब मैं अपनी क्वालिफिकेशन ले लूंगा तब खुश होगा, जब मैं ये अचीव कर लूंगा तब खुश होगा, तो खुशी को हम लोग पूरे दिन पोस्टपोन करते जाते हैं। और आज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, कि खुशी को पोस्टपोन मत करें, खुशी को हर पल अपने जीवन अपनी लाइफ में क्रिएट करिए, उसको रचिए, उसको वंडरफुल तरीके से अपनी लाइफ में मैजिकली दोस्तों। इसलिए हमेशा कहा जाता है लाइफ इज अ जर्नी एंड हैप्पीनेस इज नॉट अ डेस्टिनेशन। मंजिल पाने के बाद खुशी नहीं मिलेगी। जब आप डॉक्टर, जब आप फिजियोथेरेपिस्ट बन जाएंगे, उसके बाद आपके पास एक और लक्ष्य होगा कि मुझे कुछ आगे करना है। इसलिए आज के दिन से अपनी लाइफ में हर पल खुशी को क्रिएट करना आरंभ करें। व्हाटएवर यू आर डूइंग, जो भी लाइफ में आप कर रहे हो, जिस भी प्रकार से कर रहे हो, जो भी आप अचीव करना चाहते हो दोस्तों, उसके लिए खुशी को हर पल अपनी लाइफ में क्रिएट करना आरंभ करिए। पहला और आज के बाद हमारे इस वंडरफुल इंस्टीट्यूट में दोस्तों स्थूल धन, अच्छा कपड़ा, अच्छी गाड़ी, अच्छे गहने, अच्छा परफ्यूम, अच्छी घड़ी, कोई नुकसान नहीं। यू मस्ट बी, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, ले सकते हो, तो जरूर पहनो, अपने आप को अच्छी तरह कैरी ऑन करो, लेकिन अपनी खुशी को कपड़ों में डालो, अपनी खुशी को गाड़ी में डालो, अपनी खुशी को अच्छी घड़ी में इन्वेस्ट करना वो रिस्की हो जाता है, क्योंकि जब गाड़ी पर स्क्रैच लगता है तो आपकी खुशी भी गायब हो जाती है, जब कपड़ों पर दाग पड़ता है तो आपकी खुशी भी गायब हो जाती है। इसलिए खुशी मेरा आधार होना चाहिए, इट शुड नॉट बी बेस्ड ऑन एनीथिंग मेटेरियलिस्टिक और फिजिकल। तो आज का पहला संदेश जो मैं आपको देना चाहूंगा कि लव एंड लर्न टू बी हैप्पी इन योर लाइफ अनकंडीशनली। लाइफ इज अ जर्नी and happiness is not a destination. इसलिए आज के बाद हम लोग खुशी के लिए काम करेंगे, खुशी से काम करेंगे, बताइए कौन कौन कहता है खुशी से काम करेंगे इस इंस्टीट्यूट में? खुशी से काम, खुशी से इंटरेक्ट करो, खुशी से बात करो, जब भी एक दूसरे से मिलो खुशी की वाइब्रेशंस बनाओ। अच्छा, जब हमारा मन खुश होता है, सभी बताओ, जब हमारा मन खुश होता है तो उस दिन शरीर का दर्द हमें महसूस होता है या नहीं होता? और जिस दिन हमारा मन दुखी होगा उस दिन शरीर ठीक होते हुए भी कहेंगे देखो मुझे लग रहा है मैं बीमार, ब्लड प्रेशर देखो, पल्स रेट देखो, सर दर्द हो रहा है। क्यों? क्योंकि जब मन खुश नहीं है तो हमें परेशानी होती चल जाती। भैया आप ही बैठे, डिस्टर्बेंस, बिल्कुल शांति से। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि खुशी को हमें हर पल अपनी लाइफ में क्रिएट करना। दोस्तों, मेरे जीवन का दूसरा मैसेज और जीवन की दूसरी कहानी जो मैं आया दोस्तों, ये बात है 2018। There is only one secret to fulfilling and healthy life, जो डॉक्टर रॉबर्ट बॉल्डिंगर ने वर्ल्ड हैप्पीनेस स्टडी में डॉक्यूमेंट किया है, और दोस्तों वो सीक्रेट है टू हैव गुड रिलेशंस। 75 साल तक 400 लोगों को उन्होंने फॉलो किया, उनकी धन, उनकी मेटेरियलिस्टिक वेल्थ, उनकी सारी संपदा, सब चीजों को उन्होंने देखा दोस्तों, और उन्होंने एनालाइज करके देखा कि कुछ भी लाइफ में मैटर नहीं करता, केवल और केवल एक ही चीज मैटर करती थी, वो थी उनके जीवन के अंदर जो सक्सेसफुल थे कि उनके संबंध कितने प्रेम, कितनी शांति, कितनी प्यार से भरे। दोस्तों 2018 शाम को, रात को 9:30 का समय था और मैं ऑपरेट करके घर जाता था, निकलने ही वाला था दोस्तों, आपके ही जैसा एक यंग 22 साल का बच्चा, यंग लड़का मेरे ऑपरेशन थिएटर के बाहर आया। उसको मैसिव कार्डियक अरेस्ट था, पल्स लेस था, बीपी लेस था, ईसीजी ब्लड लाइन थी, उसको रिससिटेट कर रहे थे, और मुझे कहा डॉक्टर गुप्ता इसको ऑपरेट कर, इसमें तो कुछ बचा नहीं है, क्या ऑपरेट करो? उन्होंने कहा गिव इट योर बेस्ट ट्राई। हमने उसको वेंटिलेटर पर लिया, टेबल पर लिया, 1.5 घंटे की मेहनत के बाद तीनों आर्टरीज ब्लॉक उनको खोला, एक एक कर, ब्लड प्रेशर 50-60 मिलीमीटर का आर्टिफिशियल पेसिंग पर था, उम्मीद नहीं थी कि वो बचेगा, लेकिन फिर भी कोशिश करते करते हमने पूरा ट्राई किया। ICU में हमने उसको शिफ्ट किया, मन कह रहा था नहीं बचेगा, दिल कह रहा था शायद ये he must just might make it, और इसी उधेड़ मन में ऑपरेट करने के बाद मैं उसको ICU में शिफ्ट कराकर घर चला। मन सोच रहा था what will happen not very sure, लेकिन इन्हीं संकल्पों के साथ नेक्स्ट डे जब मैं ICU में आया,
आपको जानकर हैरानी होगी, वो लड़का आईसीयू में ऐसे बैठा हुआ था जैसे उसे कुछ भी हुए, बिल्कुल परफेक्ट, रिकवर्ड वेरी वेरी गुड, ही टॉलरेटेड सर्जरी, ऑल आर्टरीज वर फ्लोइंग, ईसीजी हैड नॉर्मलाइज्ड, ब्लड प्रेशर वाज स्टेबलाइज्ड एंड पीपल वर वेरी हैप्पी, डॉक्टर गुप्ता ये तो जान बन गई, दिस इज अमेजिंग। लेकिन उस दिन मेरा मन बहुत परेशान, इट वाज वेरी बहुत दुखी था। मैंने कहा ये हुआ क्यों, ये 22 साल का यंग लड़का, इसको हार्ट अटैक है, मुझे देखना चाहिए, मुझे बात करनी चाहिए। नॉन स्मोकर, नॉन डायबिटिक, नॉन हाइपरटेंसिव, लिपिड्स नॉर्मल, फैमिली हिस्ट्री नहीं है, फिर भी हार्ट अटैक हो गया। मैं उनके पेरेंट्स के पास गया, मैंने कहा ये लड़का मैरिड है 2 साल से, 4 महीने की छोटी सी बच्ची है, इसकी वाइफ को बुलाओ, आई वॉन्ट टू टॉक टू हर। उनके पेरेंट्स अलग लेकर गए, उन्होंने कहा सर इसकी वाइफ नहीं आएगी, दे आर ऑन वर्ज ऑफ डाइवोर्स, इनकी आपस में बनती नहीं। आई वॉज शॉक, मुझे अंदर से बहुत हैरानी हुई। मैंने उनसे हाथ जोड़कर कहा प्लीज आप उसको फोन करो कि डॉक्टर गुप्ता ने बुलाया, वो आई, उन्होंने मुझे फोन किया और वो लड़की 1.5 घंटे बाद आई अपनी बच्ची को लेकर। सबको मैंने बाहर किया, उन दोनों को मैंने अंदर बिठाया और उनसे पूछा व्हाट इज हैपनिंग इन योर लाइफ, लड़की को एक्सट्यूबेट कर दिया। तो उस लड़के ने क्या कहा सुनी, उसने कहा सर वी बोथ हैव अ 6-digit salary, आई ड्राइव अ मर्सिडीज, हमारे पास 4-bedroom प्लस अपार्टमेंट है, लेकिन पिछले 2 साल से हमने एक दूसरे से कभी बात नहीं की, प्रॉपर हमारा कनेक्शन ही नहीं, हमारी लाइफ मैकेनिकल है, धन कमाते रहे, सामान कमाते रहे, लेकिन एक दूसरे के प्रति कनेक्ट होना, भावनाओं के अंदर प्यार होना, ये हमारी लाइफ में कभी आया ही, इसलिए हमें सोचा कि अब एक दूसरे से हमें सेपरेट हो जाना चाहिए। इमेजिन दैट वॉज द हाइट ऑफ द रिलेशन, सब कुछ होते हुए भी, वो मेटेरियलिस्टिक वेल्थ होते हुए भी जो एक नॉर्मल व्यक्ति को नहीं मिलती, उनके मन कितने दुखी थे, उनके मन एक दूसरे के कितने विपरीत। मैंने उन्हें कुछ नहीं बोला, मैंने कहा ठीक है आप लोग सेपरेट हो, एक काम करोगे, मैंने कहा नहीं, मैंने कहा 1 महीने का ही तो टाइम है, उसके बाद आप दोनों सेपरेट हो रहे हो, 1 महीने के लिए दोनों एक दूसरे के साथ रात को बैठकर भोजन करो, ये बता दो कनेक्ट, बच्ची को भी बिठाओ, इंटरनेट फ्री करो, मोबाइल फोन बंद रखो, कुछ भी ऐसा नहीं करना, केवल एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना है, खुश रहना है, रिलैक्स रहना है, करोगे? उन्होंने कहा सब करें। और मैंने कहा एनालाइज करना, लड़ना नहीं, लेकिन एक दूसरे को एक्सेप्ट। और दूसरी बात मैंने यंग लड़की को बोली कि आपके हस्बैंड को मैं डिस्चार्ज करूंगा, केवल एक शर्त पर ओपनी में देखूंगा, जब आप उसको हाथ पकड़ के मेरी ओपनी में लेकर उसको अकंपनी करो। तो वो हंसने लगी, उसने कहा ठीक है सर आप कहते हैं तो मैं 1 महीने के लिए आया। मैंने उनको डिस्चार्ज करा, लड़की 2 दिन बाद डिस्चार्ज किया, वो लड़की अपने हस्बैंड को लेकर आती थी, 1 हफ्ता आई, 2 हफ्ते आई, 4 हफ्ते आई, 4 हफ्ते 4 महीने में बदले, 4 महीने 4 साल में बदल गए, उनकी 4 महीने की बच्ची 4 साल की हो गई, वो आज भी मेरी ओपीडी में आते हैं एंड दे विथड्रॉ देयर मनी। उस दिन मुझे पता लगा कि एसेंस ऑफ हीलिंग क्या है, केवल हमारे लाइफ में प्रोसीजर्स करना, तो टिपिकली हम करते हैं, पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं, आपको क्या करेंगे, फिजियोथेरेपी सिखाएंगे, एक्सरसाइज करो, ये करो, वो करो, ऐसे करो। ये चीजें मुझे भी हुई हैं, जब मेरी स्पाइन की सर्जरी हुई थी, कितना मुझे हेल्प चाहिए थी आप जैसे लोगों को, तो ये सब करते थे, लेकिन उनकी भावनाओं, उनके मन के ऊपर दोस्तों प्रहार करके उसको परिवर्तन करना, इस पर मेरा ध्यान कभी नहीं जाता था, और वो चीज ने मेरी लाइफ, मेरी सोच को परिवर्तन। उसके बाद दोस्तों मैंने अपने हॉस्पिटल में एक्सपेरिमेंट्स करने आरंभ किए, 150 यंग हार्ट अटैक के मरीज लिए, जिनको मैंने, जिनका तनाव को मेजर किया, कोई रिस्क फैक्टर नहीं था, स्ट्रेस कितना है, और स्ट्रेस के साथ साथ उनकी फिजिकल एज नहीं, उनकी जेनेटिक यानी बायोलॉजिक एज को मेजर किया, बायोलॉजिक एज कितनी थी, यानी सेल्स की एज कितनी थी, जिसको हम टेलोमियर लेंथ के द्वारा, ये पेपर वाइट पेपर की तरह पब्लिश। दोस्तों जब रिजल्ट आए आपको जानकर हैरानी होगी, शारीरिक रूप से इनकी उम्र थी 18 से 30 साल, लेकिन इन बच्चों की बायोलॉजिक एज थी, देखिए हार्ट अटैक के पेशेंट्स 60 to 92 years के बुजुर्ग थे। इमेजिन 22 साल का वो लड़का, उसकी बायोलॉजिक एज वो 60 to 92 years का हैरान। कारण क्या था? कारण आपको जानकर हैरानी होगी, कारण था नंबर 1 इन बच्चों के अंदर हाईएस्ट लेवल ऑफ साइकोसोशल स्ट्रेस, हाईएस्ट लेवल ऑफ एंगर, हाईएस्ट लेवल ऑफ लैक ऑफ लव, लैक ऑफ हैप्पीनेस, लैक ऑफ पर्पस इन लाइफ एंड लैक ऑफ ग्रेटिट्यूड यानी शुक्राना है, पुअर लाइफस्टाइल। इमेजिन सब कुछ है लेकिन लाइफ में सुख और चैन नहीं। दोस्तों मैंने सोचा कोई बात नहीं, स्ट्रेस तो सबको होता है, उसमें क्या बड़ी बात है, अगर है भी गुस्सा है सब कुछ आते हैं,
हमने जब फर्दर देखा, आप देखो जिन लोगों के अंदर पर्पस नहीं है, गुस्सा है, इरिटेशन है, डोमेस्टिक वायलेंस है, पुअर रिलेशंस है, खुशी नहीं है, उन लोगों का टेलोमेरेज एंजाइम कम होता है और उनकी जेनेटिक और टेलोमियर लेंथ कम होती चली जाती है, डिजीज पास। इसलिए ये शो करता है कि आज हमारे एशियन पॉपुलेशन में, साउथ एशियन इंडियन पॉपुलेशन में हार्ट अटैक और कैंसर जैसी बीमारियां क्यों सिग्निफिकेंटली बढ़। ऑन द कॉन्ट्रेरी, जो लोग खुश हैं, जिनका पॉजिटिव आउटलुक है, जो गुड पॉपुलेशन है, उनका टेलोमेरेज एंजाइम बढ़ता है और उनकी टेलोमियर लेंथ सिग्निफिकेंटली बढ़ती चली जाती है, वो इंक्रीज होती चलती है। दैट इज द पावर, दैट इज द ब्यूटी दैट वी हैव। The good news is this is reversible. इसको रिवर्स किया जा सकता है। दोस्तों, उस दिन रियलाइज हुआ कि हमारे विचार एक स्विच की तरह काम करते हैं। Our thoughts are working like a switch. आज ये क्लियरली शो हो चुका है कि इट्स टाइम टू मूव बैक फ्रॉम हाई टेक टू हाई टच इन अवर लाइफ। जीवन के अंदर संवेदन, जीवन के अंदर कंपैशन, जीवन के अंदर महसूसता, उसको लाना दोस्तों बहुत जरूरी। हीलिंग के लिए केवल दवाइयां, हीलिंग के लिए केवल ट्रीटमेंट और एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जब तक आप लोगों के दर्द को फील करते हुए, महसूस करते हुए, एम्पैथाइज करते हुए दोस्तों उनको हील नहीं करेंगे उनके मन को, तब तक वो कभी भी अपने आप को स्वस्थ महसूस नहीं करते। इसलिए दोस्तों, माय सेकंड लाइफ स्टोरी टोल्ड मी, टॉट मी कि लोगों के साथ कनेक्ट करके केवल ट्रीटमेंट मत करिए, उन लोगों को हील, उन लोगों की मानसिकता को, उन लोगों के जीवन को, उनकी समस्याओं को, उनके कष्ट को भी दोस्तों। ये है ट्रू एंड रियल एसेंस ऑफ दोस्तों। तीसरा मैसेज जो आज मैं आपको अपनी लाइफ से, ये मेरे जीवन की तीसरी कहानी, व्हाट एवर यू वांट इन योर लाइफ इट्स ऑलरेडी ऑन इट्स वे। आप सब लोगों के जीवन में एक अलग प्रकार की आशा की किरण मैं देखता हूं। कोई कहीं जाना चाहता है, कोई कहीं जाना चाहता है, कोई कुछ बनना चाहता है, कोई ये अचीव करना चाहता है और करके भी रहे, कोई किसी प्रकार से करना चाहेगा। भारत और विश्व के कोने कोने में आप लोग जाएंगे और अलग प्रकार से करेंगे। किसी का ड्रीम है कि मैं मस्जिद चलाऊं, किसी का ड्रीम है कि मैं ये अचीव करूं, किसी का ड्रीम है कि मैं इस इंस्टीट्यूट में डायरेक्टर बनूं, किसी का ड्रीम है, और आपके ड्रीम के बीच में केवल और केवल आपका थॉट ही, आपका विचार, आपके और आपके सक्सेस के बीच में जो सबसे बड़ी ऑब्स्टिकल है दोस्तों, वो केवल और केवल आपके विचार। 2001 में जब मैं अमेरिका से आया था दोस्तों, अमेरिका से आया था, उस वक्त मैं कार्डियोलॉजी की पढ़ाई पढ़ना चाहता था। हमारे देश, हमारे इंस्टीट्यूट में जिसमें मैंने किया, उसमें केवल 5 सीटें इंडिया में होती थी, और मैं वापस आया था दिल्ली का ही एग्जाम देना चाहता था क्योंकि पेरेंट्स के साथ रहना चाहता था। आई नेवर वॉन्टेड टू बी अ हॉस्टलर, मैं कभी बाहर नहीं जाता था। तो मैंने कहा कि मैं एक ही अटेम्प्ट दूंगा, ओनली वन एग्जाम, और एक ही इंस्टीट्यूट में दूंगा, और नहीं हुआ तो मैं एमडी मेडिसिन हूं, मैं एमडी मेडिसिन प्रैक्टिस कर लूं। और मैंने अपनी मदर के पास गया, मैंने कहा मेरे टीचर्स, मेरे सीनियर सब मेरे साथ एग्जाम दे रहे हैं, इट मे बी डिफिकल्ट कि मैं इस एग्जाम को क्लियर कर पाऊं या नहीं कर पाऊं, बट आई विल कीप वन ट्राई। मदर बहुत पॉजिटिव है, उन्होंने कहा बेटा इधर आओ। मैंने कहा क्या? उन्होंने कहा सीटें कितनी है? मैंने कहा 5। उन्होंने कहा तुम्हें कितनी चाहिए? मैंने 5 में से, मैंने कहा मुझे एक चाहिए, आई नीड ओनली वन। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा 4 को हटाओ, 1 पर। और मैंने वही किया, मैंने अपने सामने लिख लिया दिस वन सीट इज फॉर मी, किताब पर लिखा, और 19 जुलाई से मैंने पढ़ाई को आरंभ किया। कि 5 महीने थे उस एग्जाम को देने में, जिसके लिए लोग 2-2, 3-3 साल पढ़ते हैं, कई अटेम्प्ट्स देते हैं। 9 फरवरी को मैं एग्जाम देने गया, 2002 सैटरडे का दिन था, मुझे अभी भी ध्यान। 9:30 से 12:30 का एग्जाम था, 100 क्वेश्चंस का पेपर था, और पेपर देकर मैं बाहर निकला। विविड मेमोरीज हैं, बाहर निकलते ही हम क्या करते हैं एग्जाम देके, डिस्कस करते हैं एक दूसरे के साथ, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या है, और मैंने भी डिस्कस किया। एक भी मेरे मित्र, मेरे सीनियर, मेरे फ्रेंड ने मेरे साथ पेपर नहीं डिस्कस किया। उन्होंने कहा तू घर जा, मुझे शाम को 6:30 बजे तुझे क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा विद आंसर्स, ताकि तू अगले साल बेटर पेपर दे। दोस्तों मुझे खराब है, मैं बाहर गया, गॉट अ हेयर कट, बाल कटवाया, फिर बाल कटवा कर मैं अपने घर चला गया।
घर जाकर मैंने अपनी किताबों को सेपरेट कर दिया और सेपरेट करके मैंने कहा ठीक है मुझे एक ही अटेम्प्ट देना था, अब मैं दोबारा और कोई अटेम्प्ट नहीं दूंगा। और आई वॉज रिलैक्सिंग एंड वेटिंग फॉर माई रिजल्ट। दोस्तों 15 दिन बाद जब रिजल्ट आया तो मेरा कंट्री में फर्स्ट रैंक था और मेरी परसेंट आई थी 95% और सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ रैंक थी वो 78, 77, 76 एंड आई टेल यू व्हाई, क्योंकि उन 6-5 महीनों के अंदर मैंने अपने आप को कार्डियोलॉजिस्ट की तरह मान लिया था, स्वीकार। When you glue your intention with imagination and put a do not disturb sign, no power on earth can take away your success. जब आप अपने सोच, संकल्प और लक्ष्य को एक दूसरे के साथ आधारित करके चिपका लेते हैं और बाहर do not disturb का बोर्ड लगा लेते हैं, दोस्तों दुनिया का कोई भी शक्ति आपकी सक्सेस को आपसे नहीं ले जा सकता है। That is the power, that is the beauty that. आज लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं, लेकिन हम ब्रह्मा कुमारीज में एक और सुंदर लॉ की तरफ जाते हैं, वो है लॉ ऑफ अजम्पशन, यानी जिस चीज को हम ऑलरेडी अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करते हैं। इसके पीछे साइंस है, ये ऐसा नहीं है कि ऐसे ही हो जाता है कि डॉक्टर मोहित के लिए तो हो गया, पता नहीं मेरे लिए होगा या नहीं होगा, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। दोस्तों इसके पीछे हमारा संकल्प, हमारी साइंस ऑफ न्यूरोप्लास्टिसिटी का, जिसको डॉक्टर एरिक कैंडल ने हमें दिया। डॉक्टर एरिक कैंडल ने बहुत सुंदर बताया था, नर्व सेल्स दैट फायर टुगेदर दे वायर टुगेदर। जो चीज को आप बार बार सोचेंगे वो आपके ब्रेन के अंदर 17 सेकंड में प्रोग्राम बनाती है और मात्र 21 दिन जब आप एक चीज को रिपीट करते हैं वो आपको एक नई हैबिट, एक नया न्यू प्रोग्राम दे देती है जिसके अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ में उसको चल सकते। We can reprogram our brain for success as well as for failure and disease according to our wish. बार बार एक चीज को सोचने से आप अपने ब्रेन को हार्ड वायर कर लेते हैं। Within 21 days प्रॉब्लम कहां पर आती है? देखिए प्रॉब्लम आती है पता नहीं मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, सारी डिफिकल्टीज मेरे पास ही आती है, सारे चैलेंजेस मेरी लाइफ में आते हैं, मुझे टीचर्स हमेशा डिफिकल्ट होते हैं, मेरे असाइनमेंट्स बहुत डिफिकल्ट होते हैं, मेरे को बहुत प्रॉब्लम होती है, मेरे बच्चे तो पढ़ते ही नहीं हैं, मेरी तबीयत हमेशा खराब रहती है, हमेशा डिफिकल्टीज और चैलेंजेस को फेस मुझे ही करना पड़ता है। बार बार अनसर्टेन थॉट्स को हम अपनी लाइफ में क्रिएट करते हैं और जब हम अपनी लाइफ में थॉट्स को क्रिएट करते हैं, अंदर बैठा हुआ ब्रेन केवल एक काम करता है, वो कहता है तथास्तु तथास्तु और जो भी चीज आप बोलोगे, whatever you create in your life, whatever, जो भी चीज आप कहोगे वो कहेगा तथास्तु सो बी इट। इसलिए दोस्तों जो भी अपनी लाइफ में देखना चाहते हो उसको सबसे पहले अपने मन में क्रिएट। फॉर दो 6 months एवरी डे आई वॉज विजुअलाइजिंग दैट आई एम ऑलरेडी अ कार्डियोलॉजिस्ट। For those 6 months, every day I was working as if that thing is manifested. और ये law of assumption हमारी तरफ हमारी success को magnetically attract. That is the power. ये महात्मा, ये गुरु, ये शक्ति असंभव को संभव करने की, असाध्य को साध्य करने की, दोस्तों ये किसी गुरु महात्मा सदगुरु की नहीं है दोस्तों, ये आप जैसे बच्चों के अंदर शक्ति है जो आप अपने जीवन में जो चाहो, जब चाहो, जैसे चाहो उसको प्राप्त कर सकते हो, उसको अकम्पलिश उसको कर सकते हो। ओनली एंड ओनली इफ यू बिलीव, ओनली एंड ओनली इफ यू हैव फेथ इन योर ओन सेल्फ। सो आज के बाद redesign your thoughts and avoid catastrophic negative thing. पता नहीं होगा या नहीं होगा, कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। दोस्तों अगर कहा नहीं होगा तो आपका ब्रेन इस प्रोजेक्टर की तरह काम कर रहा है, जैसे ये छोटी चीज को मैग्निफाई करता है, इसी प्रकार नेगेटिव थॉट्स आपके मैग्निफाई होंगे और आपकी खुशी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अगर आप कहोगे नहीं हो सकता, मैग्निफाई होगा, सक्सेस दूर चली जाएगी, और यदि आप कहोगे होकर रहेगा तो वो आपकी लाइफ में सक्सेस को ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट करता जाएगा। ये है संकल्प। दिस इज द पावर ऑफ बिलीफ एंड पावर ऑफ ब्यूटी दैट वी हैव।
दोस्तों चौथा मैसेज जो मैं आपको अपनी लाइफ से देना चाहूंगा और ये मेरे जीवन की चौथी कहानी फोर्थ स्टोरी। चेंज इज अ प्रोसेस एंड नॉट अ इवेंट। उसके लिए अपने आप को प्रोसेस में एक दिन नहीं होगा कुछ। नथिंग इज गोइंग टू हैपन ओवरनाइट। हम सोचते रहेंगे करते रहेंगे हमारे मुख में झूठ की चाशनी मिलाकर दोस्तों लोगों को कुछ समय तो बेवकूफ बना सकते हैं लेकिन सच्चाई की मिठास जब हमारे संकल्पों में आती है तो परिवर्तन उस श्रेष्ठता। दोस्तों आप लोगों के अंदर शक्ति है दैट यू कैन क्रिएट मिरेकल्स इन योर लाइफ। पांचवा संदेश दोस्तों जो आज मैं आपको देना चाहूंगा, ये पांचवा संदेश बहुत सुंदर और सारी हमारी लाइफ का एसेंस है। दोस्तों ये बहुत सुंदर बात है। दो महात्माओं तो जा रहे थे गुरु और जाते जाते नदी पार करने का टाइम आया तो नदी पार करते करते उनमें से एक महात्मा ने देखा कि एक यंग लड़की जो है वो नदी के बीच में फंसी हुई। उसको दया आई और वो गया और उसने उठाकर उसे अपने कंधे पर रख दिया और उठाकर नदी पार। उसके मित्र को उस पर बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा मन में कि हमारे शास्त्रों में तो नारी को हाथ लगाना भी पाप है, इसने कैसे उठाया, इसे ऐसा नहीं करना चाहिए। और दोस्तों ऐसा करते करते उसने अपने मित्र से बात करनी छोड़ी। क्रोध उसका बढ़ता चला गया। एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, पांच दिन बीत गए। पांचवें दिन जब उसका क्रोध बहुत ज्यादा बढ़ गया तो वो अपने मित्र के पास गया और उसने बोला कि मित्र तुमने बहुत गलत काम किया। उसने कहा मैंने क्या गलत काम किया? उसने कहा आज से पांच दिन पहले तुमने उस कन्या को अपने कंधे पर उठाया था, तुम्हें नहीं उठाना चाहिए था। तो उसका मित्र मुस्कुराते हुए उससे बोला और सुनिए क्या बोला कि मित्र मैंने तो आज से पांच दिन पहले उसे केवल पांच मिनट के लिए उठाया था, तुम तो पिछले पांच दिनों से उसे अपने सर पर उठाकर। देखो अपनी लाइफ के अंदर देखो आज हमारे मन के अंदर भी लोग अलग अलग प्रकार के हमको मिलते हैं जो हमको ब्लेम करेंगे हमारे मन के अंदर हमारे अनुसार बिहेव नहीं करेंगे हमको हर्ट करेंगे। एक दिन में एक व्यक्ति मिलता है जो हमको नुकसान पहुंचाता है, दूसरे दिन हमारी भावनाओं को ही फील करता है और उन बातों को हम अपने मन में रख लेते हैं, उन बातों को अपने मन में स्थान देते हैं। आज से 10 साल पहले यदि किसी व्यक्ति ने आपको नुकसान पहुंचाया हो, 5 साल पहले, 5 महीने पहले आपको हर्ट किया हो, आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई हुई हो और यदि वो व्यक्ति आज मेरे मन में आज मेरे सामने आता है तो उसके लिए मेरे मन में कैसी भावनाएं आती है? नेचुरली उसके प्रति मेरे मन में क्रोध आता है, इरिटेशन आती है और हमें बुरा लगता है। क्यों? क्योंकि वो पुरानी स्मृतियां हमारे मन में आती है। तो आज मैं आप सब लोगों से एक बात पूछना कि यदि किसी ने हमारे लिए बुरा किया हो तो उससे हमें बदला लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? बताइए। करते क्या है वो अलग है, होना क्या चाहिए वो अलग है ना। कौन कौन कहता है हमें बदला लेना चाहिए, हाथ उठा के बताइए। एनीबडी? वन एनीबडी? ओके परफेक्ट। एनीबडी? अच्छा मैं अपना उत्तर दूं। मैं कहता हूं अगर किसी ने आपके लिए बुरा किया है आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले, 5 महीने पहले तो उससे बदला लेना चाहिए और 10 साल का इंटरेस्ट भी नहीं भूलना चाहिए। वो भी तो पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट करेगा ना कि तूने इतने टाइम पहले मुझे इतना दुख पहुंचाया था। करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। आप कहते हैं सब करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। एक एक्सरसाइज करेंगे सभी लोग मेरे साथ 3 दिन के लिए? करेंगे तो हाथ उठाइए। 3 दिन के लिए एक एक्सरसाइज आपको करेंगे, सभी हाथ उठाएंगे, करेंगे, इनका वीडियो निकालो। सर आप नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। ऐसा नहीं, डॉक्टर्स आर नॉट एग्जेम्प्टेड। We have to let go of our ego and do and participate in everything, है ना? करना है नहीं करना बताओ, सभी लोग करेंगे या नहीं? इनका वीडियो निकाल के बाद में मना ना करें भाई, है ना? बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, very very simple. अगले 3 दिन के लिए आपको केवल एक काम करना है। 3 दिन जब आप अपने रूम में जाओगे, अपने घर में जाओगे, सफाई होगी, बाथरूम, बेडरूम, किचन रूम की, ड्राइंग रूम की, केवल 3 दिन के लिए सारे कूड़े को इकट्ठा करके अपने रूम में डेकोरेट करके। Okay? Everybody ready? Yes or no? Why no? अभी तो आपने हाथ उठाया था। क्यों नहीं? अभी तो कहा था पक्का जोश से हम लोग करेंगे। क्यों नहीं करेंगे बताओ? क्यों नहीं करेंगे बच्चों? हाँ क्यों नहीं करेंगे बोलो? क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि बदबू आएगी, इन्फेक्शन फैलेगा, हमको नुकसान होगा, हमारे घर हमारे रूम का डेकोर खराब होगा। तो घर की सफाई रोज होनी चाहिए कभी कभी बताओ?
घर की सफाई रोज या कभी कभी? जब घर की सफाई रोज होती है तो हम मन की सफाई रोज क्यों नहीं करते हैं? अपने आप से पूछो, आज देखो अपने मन, अभी यहां बैठे बैठे देखो मेरे मन के अंदर एंगर और इरिटेशन, देखो अपने मन के अंदर एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या और घृणा की भावना, देखो अपने मन के अंदर लोगों के प्रति कॉम्पिटिशन और बार बार लोगों को क्रिटिसाइज करना एक दिन के अंदर बार, आज देखो अपने मन को बार बार कंप्लेन और एक्सपेक्टेशन लाना, केवल ये 8 भावनाएं आज हमारे मन को नेगेटिव बनाती जाती है। दोस्तों कोई भी व्यक्ति से छूटा है, अपने अहम की टोकरी हम सर पर उठाकर उसकी आड़ में अपने क्रोध, अपने इरिटेशन, अपने क्रिटिसिज्म, अपने कंप्लेन को लेकर दोस्तों चलते रहते हैं और यही मन मेरा आज नेगेटिव मन बन गया। आज एक संकल्प है, जैसे अपने शरीर को रोज नहलाते हो, जैसे अपने घर को रोज साफ करते हो, उसी प्रकार अपने मन को भी रोज साफ करना सीखो, अपने मन को भी रोज साफ करना। मन बहुत जरूरी है, अगर हम अपने मन को रोज साफ नहीं करेंगे तो हमारा मन नेगेटिव बनेगा, हमारे मन एक वेदान बनता है और आज यही हमारे साथ हो रहा है, यही भावनाएं आज मेरे मन में कंप्लीटली आ रही है। तो रोज सवेरे से शाम निकलकर किसी न किसी प्रकार से अपने मन को क्लीन करो, एम्ब्रेस करो प्यार, एम्ब्रेस करो शुक्राना, एम्ब्रेस करो परमात्मिक शांति को, खुशी को, आनंद को और अपने जीवन को सुख और शांति से परिपूर्ण। कहते ना जिंदगी को मैंने कुछ इस तरह आसान कर दिया, किसी से माफी मांग ली और किसी को माफ कर दिया। तो आज के बाद हमारा ये छोटा सा लवली सा इंस्टीट्यूट, ये भी परिवार है, परिवार केवल हमारे घर पर भी नहीं होता, ये भी हमारा बड़ा परिवार है जहां हम अधिकतर समय बिताते हैं। इस परिवार के अंदर अगर आप लोग, केवल आप 100-200 लोग अगर बच्चे अपनी वाइब्रेशंस और अपनी एनर्जी को खुशनुमा बनाते हैं, पॉजिटिव बनाते हैं, पर्पसफुल बनाते हैं, एक दूसरे को सहयोग का हाथ देते हैं, तो यहाँ की एनर्जी कैसी होगी, पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी? पॉजिटिव हो जाएगी। मरीज आएगा बाद में, आने से पहले ही घुसते उसे लगेगा इस कैंपस में मैं ठीक होकर ही जाऊंगा। ये शक्ति, ये एनर्जी, ये वाइब्रेशन दोस्तों हमें बनानी है। केवल शरीर की डिसेबिलिटी को ठीक नहीं कर, आज मुझे बता रहे थे कि सर कि इंडिया का बड़ा टॉप एंड बिगेस्ट डिसेबिलिटी इंस्टीट्यूट है, जहाँ सब प्रकार की डिसेबिलिटी को करते हो, तो उस सब प्रकार की डिसेबिलिटी के अंदर जो सबसे बड़ी डिसेबिलिटी है वो है हमारे मन, हमारी सोच की डिसेबिलिटी। जब उस सोच की डिसेबिलिटी को भी आप ठीक कर दोगे तो ये इंस्टीट्यूट वर्ल्ड का नंबर 1 इंस्टीट्यूट बन जाएगा। एक ऐसा इंस्टीट्यूट पूरे विश्व में नहीं होगा जहाँ मन को भी ठीक होगा, ऐसी डिसेबिलिटीज को भी आप ठीक करो। और कौन करेगा, ये दो लोग नहीं कर सकते, आप लोगों को पुजारी बनना है, आप लोगों को सहयोग देना है, आप लोगों को शक्ति देनी है। ये शक्ति आपके पास, ये एनर्जी आपके पास। दोस्तों आखिरी संदेश जो मैं आज आपको देना चाहूंगा कि मेडिटेशन के लिए समय, योग के लिए समय। मोबाइल सबके पास है, मोबाइल सब यूज करते हैं और मोबाइल को रोज यूज करते हुए चार्ज भी करते हैं। आज मैं आपको एक अलग प्रकार की चार्जिंग बताऊं। जैसे शरीर मोबाइल को चार्ज करते हो, लैपटॉप को चार्ज करते हो, उसी प्रकार मन के मोबाइल को भी चार्ज करना सीखो। मन योग के मन, मेडिटेशन के प्रयोग के, एज अ कार्डियोलॉजिस्ट, एज अ एग्रेसिव इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट मैं आज आपको बोल रहा हूँ। अपने पिछले 50 साल के जीवन के अंदर मैंने राजयोग मेडिटेशन के अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जीनोमिक्स को आज हम लोग यूज कर रहे हैं, इस योग के प्रयोग के द्वारा लोगों की एजिंग, लोगों की बीमारियां, लोगों के एंजाइटी, लोगों के डिप्रेशन को दोस्तों हम लोग रिवर्स कर रहे हैं। ये शक्ति, ये पावर आज हमारे पास, दिस इज द पावर। मेरे जीवन की पहली कहानी का दूसरा, जब मेरे ब्रेन की सर्जरी 2005 20 जून को ही 8 घंटे सर्जरी के बाद, मैंने सोचा मैं बिल्कुल ठीक हूं,
एवरीथिंग इज फाइन इन माय लाइफ. दोस्तों दवाइयां खा रहा था, मात्र 6 महीने के फॉलोअप के बाद मेरे ब्रेन के अंदर सेरिबेलम में एक और लेशन. दिस वाज नॉट ऑपरेबल. सर्जन ने हाथ खड़े कर दिए, उन्होंने कहा डॉक्टर गुप्ता इसको ऑपरेट नहीं कर सकते. इमेजिन मैक्सिमम दवाइयां, अमेरिका के डॉक्टर्स, बैंगलोर डॉक्टर राजेश्वरी, एम्स डॉक्टर मुरली, एवरीबॉडी डिजाइनिंग माय रेजिम्स, नथिंग वर्किंग ऑन माय ब्रेन. मैं योग और मेडिटेशन करता था उस समय एज अ कार्डियोलॉजिस्ट. इमेजिन एक साइंटिफिक व्यक्ति स्पिरिचुअलिस्ट के पास गए, हमारे एडिशनल चीफ ब्रह्मा कुमारी की होती थी दादी गुलजार, हृदय मोहिनी दादी, उनके पास मैं गया और उनसे मैंने केवल एक प्रश्न कि मैंने कहा मेरे ब्रेन में ये बार बार रिकर हो रहा है, मुझे क्या करना चाहिए. जब सारे एग्जॉशन ऑप्शंस मेरे पास समाप्त थे तब मैंने उनसे पूछा और उन्होंने मुस्कुराते हुए मुझे केवल एक बात बोली, मोहित तुम योग का प्रयोग अपने ऊपर, यूज द पावर ऑफ योगा टू हील योरसेल्फ. वो समय था जब लोगों को योग और मेडिटेशन के नाम से एलर्जी हो जाती, लोग कहते थे ये खाली खाली और फालतू लोगों के लिए, अभी भी कई लोग समझते दिस इज नॉट फॉर अस. और मैंने कहा मैं बिल्कुल करूँ. उन्होंने मुझे कुछ टेक्निक बताई. मैं कार्य करता था, हॉस्पिटल जाता था, दवाइयां लेता था, सब कुछ करता था, लेकिन 3 जनवरी के स्कैन के बाद 4 जनवरी 2006 से मैंने अपने रोज जीवन के अंदर 2006 से मेडिटेशन को प्रॉपर फोकस तरीके से करना आरंभ किया. 4 जनवरी से 1 साल तक मैं करता रहा, कोई मैंने MRI नहीं कराया, कुछ भी मैंने नहीं कराया. लोग बोलते थे कोई ये करा वो करा, मैंने कहा मुझे कुछ नहीं कराना, लेट मी यूज दिस एनर्जी फॉर माय हीलिंग. 1 साल बाद जब मेरे ब्रेन के स्कैन हुए दोस्तों, मेरे ब्रेन से लेशन कंप्लीटली गायब. लोग कहते हैं साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी दे वर्क इन एंटागोनिज्म विद ईच अदर, मैं बोलता हूं दे वर्क इन सिंक्रोनी विद ईच अदर. साइंस इज ब्लाइंड विदाउट स्पिरिचुअलिटी एंड स्पिरिचुअलिटी इज लिंक्ड विदाउट साइंस. राजयोग मेडिटेशन इन दोनों की समन्वय है. केवल अपने आप को आत्मा मान लेना, बैठ लेना, योग लगा लेना, ये ब्रह्मा कुमारी की मेडिटेशन नहीं है. मैंने दुनिया के सारे शास्त्र वेद पढ़े हैं, अलग अलग प्रकार की मेडिटेशन करी है और मेरा कोई पर्पज नहीं है कि मैं आपको राजयोग मेडिटेशन सिखाऊं. एब्सोल्युटली मैं ये प्रोपोगेट कर रहा हूं आपके सामने नहीं, लेकिन आज मैं आपके जीवन में ये जागृति लाने के लिए आया हूं कि योग और मेडिटेशन को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाइए. जो भी आपको फीट फ्लोट करता है, मेरे लिए राजयोग मेडिटेशन है परफेक्ट काम. मैंने इसको साइंटिफिकली समझा है, इसको यूज किया है, इसकी पावर को यूज किया है, एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा इसको प्रूव किया है. लेकिन आज मैं आपको यह संदेश देना चाहता हूं कि योग का प्रयोग आपके जीवन में आज अति 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 आवश्यक है यदि आप हीलिंग को लाना चाहते हैं. दोस्तों इसके पीछे साइंस है. एक नॉर्मल व्यक्ति का ब्रेन कंप्लीटली इम्बैलेंस होता है जो कि एंग्जाइटी और डिप्रेशन से प्रोन है. अगर मैं आप लोगों के स्कैन करूं, सब कुछ होते हुए आपका ब्रेन इस प्रकार से दिखाई देगा दोस्तों, जिसमें बाहर से तो हम खुश हैं लेकिन अंदर संकल्प है, एंग्जाइटी और डिप्रेशन. मात्र 15 मिनट की मेडिटेशन दोस्तों आपके ब्रेन के अंदर इस प्रकार की सिंक्रोनी ला दी और मात्र 20 मिनट आपके दोनों हेमिस्फीयर्स को कंप्लीटली सिंक्रोनाइज कर देता है. ये है योग. यू वॉन्टेड एविडेंस, this is the evidence दोस्तों. This gives us a better performing, more integrated, optimizing our both mental and emotional health. ये शक्ति दोस्तों हमारे पास है. जहां आज हम लोग केवल अपने साइंस पर बिलीव करते हैं दोस्तों, हम लोग केवल कहते हैं कि केवल हमें कर्म करना है. कर्म दोस्तों हमारे लेफ्ट ब्रेन को एक्टिवेट करता है, लेफ्ट ब्रेन एक्यूरेट एनालिटिकल, ये हमें केवल 50% सक्सेस देगा. लेकिन दोस्तों जब हम अपने राइट ब्रेन को एक्टिवेट करते हैं, हम कर्म के साथ योग की समन्वयता लाते हैं, तो हमारा राइट ब्रेन जो कि लविंग और पैशनेट है, हमारे लेफ्ट ब्रेन को भी कंट्रोल करता है दोस्तों. ये एक सुंदर रचना हमारे जीवन के अंदर क्रिएट होता है. वी गेट 100% सक्सेस दोस्तों. ये है योग और कर्म योग. दोस्तों मेडिटेशन कुछ और नहीं, इट्स ओनली अबाउट इनकल्केटिंग गॉड्स लव. एक मोबाइल के अंदर, कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर होते हैं, इसी प्रकार हमारी साइकी, हमारी थॉट स्पॉट, हमारी एनर्जी, हमारी आत्मा, हमारी लाइट, जो भी नाम हम उसको देना चाहें या कॉन्शियसनेस नाम देना चाहें दोस्तों, उसके अंदर परमात्मिक शक्ति, परमात्मिक प्यार, परमात्मिक ज्ञान, खुशी और आनंद को परिपूर्ण करना दोस्तों, इन 7 गुणों को अपने अंदर लाना, यही राजयोग मेडिटेशन की शक्ति. और ये किससे मिली?
यदि वो परम पिता परमात्मा है और परम शरीर नहीं है तो दोस्तों नेचुरली हमारी ये बॉडी है वो बॉडी नहीं है, शरीर नहीं है, वो आत्मा है। कोई गुरु महात्मा, देवात्मा, आप आत्मा वो हमको ये नहीं दे सकता दोस्तों। यदि हमको लेना है तो हमको सोर्स से कनेक्ट करना पड़ेगा और सोर्स से कनेक्शन ही राजयोग मेडिटेशन का यथार्थ हीलिंग का आधार, ट्रांसफॉर्मेशन का आधार, परिवर्तन का आधार, प्रगति का आधार, परिपक्वता का आधार, समन्वयता का आधार, संपन्नता का आधार है, समानता का आधार है दोस्तों, संपूर्णता का आधार है। ये पावर ऑफ राजयोग मेडिटेशन अपने जीवन के अंदर दोस्तों, मैं केवल आपको यही संदेश अंत में दूंगा कि जीवन तो हमारा चलता रहे। आप जैसे ही बहुत सारे बच्चे एक बार एक महात्मा के पास गए और उन्होंने बोला कि आपको टाइम ही नहीं मिलता, इसी रहते ना सब, ये काम है वो काम है, टाइम नहीं, टाइम नहीं, मैं शुरू में भी दिखाया था। लेकिन उन्होंने बोला कि गुरुजी हम लोग भगवान को कब याद करें, हमें समय नहीं मिलता है। तो उन्होंने भी मुस्कुराते हुए बोला, आधा समय तो आजकल मोबाइल पे ही निकल जाता है। तो उन्होंने भी मुस्कुराते हुए बोला कि ऐसा करो, अपने मरने से केवल एक दिन पहले भगवान को याद करना, उसी से काम चलेगा। बहुत खुश उन्होंने कहा, मरने से एक ही दिन पहले? उन्होंने कहा हाँ, एक ही दिन। तो जाने लगे तो एक व्यक्ति मुड़ा, उसने कहा गुरुवर हमको ये तो मालूम ही नहीं कि हम कब मरेंगे। तो उसने कहा फिर आज करो क्योंकि कल का किसी को पता नहीं। If you want to bring a change, the time is not today, the time is now। दोस्तों मैं नहीं जानता कि हम लोग दोबारा मिलेंगे या नहीं, लेकिन आज का ये दिन जिसने भी पूरा सुना है दोस्तों उसके जीवन में ये अमिट छाप छोड़ता है। You will always remember this day that someday one person had come, इसने भगवान का परमात्मा का हमें संदेश दिया, परिवर्तन का संदेश दिया, प्रगति का संदेश दिया, सोच को बदलने का संदेश दिया। और अगर आज आप इस संकल्प इस सोच को बदलते हैं दोस्तों, आपके एक संकल्प से आपकी दृष्टि, आपके एक संकल्प से आपकी कृति, आपके एक संकल्प से आपकी वृद्धि, आपके उसी संकल्प से आपकी सृष्टि भी बदल जाएगी। संकल्प साधना और सृष्टि दोस्तों यही हमारे जीवन का आधार है। मैं केवल आपको एक मैसेज दोस्तों आखिरी में लेकर हूँ और अपने मोबाइल निकालकर इसकी पिक्चर्स क्लिक कर लीजिएगा और इसको सदा अपने साथ अपने जीवन में रखिए। मैं तो कहूंगा अपने पास लिख कर रखिए, अपनी किताब पर रखिए, अपने सामने चिपका कर रखिएगा दोस्तों। जिस दिन आपका मन परिवर्तन करने के लिए मान जाए दोस्तों, उस दिन अपने को बार बार ये कहिएगा दैट टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ रेस्ट ऑफ, आज का ये दिन मेरे बचे हुए जीवन का दोस्तों पहला, आज के बाद मैं अपने जीवन को कैसे चलाऊंगा इसका आधार और इसका कंप्लीट दारोमदार केवल मेरे और मेरे ऊपर। यू आर द डिजाइनर ऑफ योर, आपकी सोच ही आपके जीवन का निर्माण है। कुछ पर हम लोग परमात्मा की याद में बैठते हैं और सब लोग बहुत अलर्ट होकर बैठे, आंखें भी खुली हुई हो और मन की आंखें भी खुली हुई, मुख भी मुस्कुराता हुआ और मन भी मुस्कुराता। अपने आप को अनुभव करो, जैसे दिए के अंदर एक छोटी सी बत्ती, उसी प्रकार इस शरीर के अंदर विद्यमान मैं जागती ज्योति अनुभव। सब संकल्पों को विराम लगाकर केवल एक संकल्प में शांत शक्तिशाली परम पवित्र आत्मा, देखो अपने संकल्पों को, कभी कभी क्रोध, कभी कभी इरिटेशन का, कभी कभी अपने जीवन में ईर्ष्या, आज अपने मन की सफाई करते अनुभव करो परमात्मिक ध्यान, परमात्मिक शांति, परमात्मिक पवित्रता। मेरे मन के एक एक संकल्प सदा सदा के लिए स्वच्छ और शक्तिशाली।
अनुभव करो, मेरे शरीर का एक एक अंग सदा स्वस्थ शांत। अपने संबंधों को देखो, मेरे संबंध खुशहाल और प्रेम से भरे हुए अनुभव। मेरा आने वाला घर बहुत सुंदर और शक्तिशाली, सफलता मेरा जन्म सिद्ध, शांति मेरा स्वरूप, प्यार मेरा कुल, दोस्तों आज के इस दिन को सदा अपनी स्मृति में ऑलवेज रिमेंबर दिस। और आज के बाद सक्सेस तो आपकी गारंटीड है, लेकिन आज के बाद जितना हमारे शरीर से अच्छे कपड़ों से परफ्यूम की खुशबू आते हैं, उसी प्रकार से अपनी शख्सियत अपने किरदार को भी ऐसा बनाओ कि वो भी दूसरों को खुशबू दे सदा। ओके, शुक्रिया। जाओ संगे संगे मोर जो ओम शांति देवस्मिता भूमि तक इनफर्म कले से संगे संगे समय देले आम जो ये मास को ये तो बढ़िया कथा कहले निश्चित भाव आम नेता तरफ तक बहुत धन्यवाद। और यदि मुझे गोटे मस दीटा फिल्म देखी समय हम देखिपारे दीटा फिल्म हूँ गोटे हूँ श्रीकांत आउ गोटे हूँ चंदू चंपियान आमरी आमर प्रफेसन उपने किए देखी किए देखी के दीटा फिल्म देख देख फिल्म देख लाइफ स्टोरी ट्रू स्टोरी चंदू चंपियान आउ गोटे हूँ कौटा श्रीकांत कहले जे मन भितर तुम गोटे फिक्स कर तुम डेफिनेटली ब्रेन चेंज कर लाइफ जो प्राक्टिकाल क्या देखे आ धन्यवाद समस्त को मोर ओम शांति भाई भौनी माने आसिक हम जो बचन जो मोटिवेटिंग स्पीच आम पिला मु सब बेले से बहुत इंपोर्टेंस दे हम पिला के भीतर बहुत पावर अछि बहुत पावर अछि जहाँ चाहिए से माने करि पेलियो अब हम बहुत भल लागला हम समस्त को धन्यवाद।